स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पश्चिम बंगाल फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और जस्टिस सोमेन सेन के बीच विवाद का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस गंगोपाध्याय के सीबीआई जांच के आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। बिहार में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर नीतीश कुमार पलट सकते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार में नीतीश कुमार के शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन जदयू ने अब इससे साफ इनकार कर दिया है। वहीं आज लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के विधायकों की बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो लालू ने अपने लोगों को अलर्ट पर रखा है और बहुमत जुटाने में लगे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि आज की बैठक में सभी पदाधिकारी, सभी विधायक और सांसद आएंगे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्य मुकाबला लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच है। दोनों को ही सत्ता का लोभ है। देखना है इस लोभ का क्या नतीजा निकलता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भाजपा के निर्णय पर निर्भर करता है और पार्टी जो कहेगी वह उसका पालन करेंगे। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमारी पार्टी हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में क्या होने वाला है, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। बिहार में राजनीतिक घमासान पर जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार को किसी पद की चाहत नहीं है। बिहार में जारी राजनीतिक हलचल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्र ने कहा कि जेडीयू को अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की खींचतान से राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रही है। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, इसके लिए उनके फैसले और वो खुद जिम्मेदार हैं। जेडीयू और उसके नेताओं के करतूतों के कारण विपक्ष के लिए नई उम्मीद INDI खतरे में नजर आ रहा है। वहीं भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली की मंत्री आतिशी के आरोपों पर कहा कि आप नेता बार बार झूठ बोल रहे हैं लेकिन साक्ष्य सामने नहीं रख रहे हैं। भाजपा नेता हरीश खुराना ने दिल्ली की मंत्री आतिशी के सरकार गिराने के आरोप पर कहा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगाएगी लेकिन सबूत नहीं दिखाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं और कानून से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस आयोजन में अमृत पीढ़ी के योगदान और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करने वाले अमृत काल की एनसीसी इस विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के अनुरूप 2200 से अधिक एनसीसी कैडेट और 24 देशों के युवा कैडेट्स इस वर्ष की रैली का हिस्सा होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वाइब्रेंट गांव के 400 से अधिक सरपंच और देश के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 100 से अधिक महिलाएं भी एनसीसी पीएम रैली में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी समझौता, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और आर्यन स्पेस के बीच उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही टाटा और एयरबस हेलीकॉप्टर के बीच H-125 हेलीकॉप्टर के निर्माण की औद्योगिक साझेदारी पर समझौता हुआ है। इस दौरान वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि फ्रांस के मार्सल शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास और हैदराबाद में फ्रांसीसी ब्यूरो पूरी तरह से शुरू होने के लिए तैयार है। भारत और फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतर्गत सेनेगल में सौर अकादमी स्थापित करने पर भी सहमत हुए हैं।
भारत और फ्रांस ने अपने संयुक्त बयान में 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की, साथ ही इसराइल के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। दोनों ही देशों ने चल रहे संघर्ष विराम में आम नागरिकों के जीवन की भारी क्षति की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने और गजा क्षेत्र में प्रभावित आबादी तक सहायता पहुंचाने के लिए युद्ध विराम की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों देशों ने सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का भी आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए इजरायली और फिलिस्तीनी लोगों के लिए दो राज्य समाधान की ओर ले जाने वाली राजनीतिक प्रक्रिया आवश्यक है। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े होने के अपने संकल्प को साझा किया। इस बीच 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एच होम रिसेप्शन का आयोजन किया। आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। मुंबई में आज से 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बताया कि 21 साल बाद यह मौका राज्य को मिला है। इस सम्मेलन में लोकतंत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन सोमवार 29 जनवरी को होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के प्रति देश भर के छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए तेलंगाना के सिरिसिला जिला के वेमुलावाड़ा सरकारी उच्च विद्यालय के शिक्षक और छात्र उत्साहित दिखे। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत मंडपम का दौरा किया और तैयारियों का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया है। सर्वेक्षण के अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2020-21 में 4.14 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये प्लांट प्रतिदिन 14 टन बायोगैस का उत्पादन करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यूपी में 100 और ऐसे बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा उप सचिव लेखा हेमचंद्र पंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इस सत्र को बुलाने की मुख्य वजह यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसे पारित करने के बाद उत्तराखंड राज्य में यूसीसी कानून को लागू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने को लेकर कह चुके हैं कि गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद विधानसभा का सत्र बुलाकर यूसीसी को सदन से पारित कर दिया जाएगा। समर्थकों की भारी भीड़ के बीच मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल ने राज्य सरकार द्वारा सभी मांगे स्वीकार किए जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में अपना अनशन समाप्त कर दिया। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल ने अपना अनशन समाप्त करने के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तांस्विक 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम युद्ध प्रथाओं को सीखकर और साझा करके तालमेल स्थापित करना है और कौशल को बढ़ाना है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले के गांव मोट के बाहरी इलाके में संदिग्ध हेरोइन के एक पैकेट के साथ एक ड्रोन बरामद किया।
संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था संस्कृत भारती द्वारा चेन्नई में संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज श्रेष्ठ शॉर्ट संस्कृत फिल्मों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के इस आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या में आज सुबह हल्का कोहरा देखा गया। ठंड के बावजूद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि यहां भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। कल भी 3 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किए हैं। हम सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर जारी है। दिल्ली में कल शादरा रामनगर स्थित एक इमारत में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। बेंगलुरु की चकपेट मार्केट इलाके में एक पेंट की दुकान में आग लग गई। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ओला इलेक्ट्रिक्स के फाउंडर और चेयरमैन भविष अग्रवाल की एआई स्टार्टअप फर्म कृत्रिम भारत की पहली एआई यूनिकॉर्न बन गई है। डिज्नी स्टार भारत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के टीवी प्रसारण के लिए $1.4 अरब के उप लाइसेंसिंग समझौते से हटने के लिए जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ अपना करार समाप्त कर दिया है। संस्थान के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के दौरान छात्रों को तकनीकी गड़बड़ी का सामना करने के बाद यह फैसला किया गया। रिलायंस बर्नस्टीन की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि मीशो भारत में यूजर्स बेस के मामले में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जींस बनाने वाली कंपनी लेविस में जल्द ही छटनी की तलवार चलने वाली है। कंपनी ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत लेविस अपने ग्लोबल कॉरपोरेट वर्कफोर्स में 10-15% की कटौती करेगी। साल 2024 की शुरुआत में कई टेक कंपनियां गूगल, फ्लिपकार्ट आदि में छटनी करने की खबरें सामने आई हैं। अब स्विगी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। पोर्शे ने अपनी पहली ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत सहित ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे 2 स्ट्रीम्स मैकन 4 और नए मैकन टर्बो में पेश किया है। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला के शेयर में 12% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। एक दिन में ही मस्क की नेटवर्थ $18 बिलियन कम हो गई थी। टाटा मोटर्स ने अपनी एंट्री लेवल हैचबैक कार टियागो और टियागो एनआरजी को नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है। एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने टाटा ग्रुप के साथ एक साझेदारी की है। यह साझेदारी देश में हेलीकॉप्टर्स के लिए एक अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड एच को फ्रॉड के लिस्ट से हटा दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह निर्णय हुआ। आईपीओ को 3 दिनों के दौरान 584 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी की तरफ शेयरों का अलॉटमेंट कर दिया गया है। कंपनी ग्रे मार्केट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने कैशलेस एवरीवेयर मुहिम की शुरुआत की है। किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज पाने के लिए आपको कम से कम 48 घंटे पहले अपनी बीमा कंपनी को इसके बारे में बताना होगा। अडानी ग्रुप की 2 सहायक कंपनियों को बेचने के लिए अडानी कॉनेक्स के साथ एक एमयू पर हस्ताक्षर किया गया है। इन दोनों सहायक कंपनियों की 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए डील हुई है। HDFC के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है। बैंक का मार्केट कैप भी घटकर 10.90 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं अब भारतीय जीवन बीमा निगम इस बैंक में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में इसराइल को गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने और नरसंहार की संभावित घटनाओं को रोकने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इसराइल से इस मामले में 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को भी कहा है।
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने फैसला दिया है कि इसराइल को तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी सेना जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन न करे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भीषण ठंड, निमोनिया होने के बाद 200 से ज्यादा बच्चों की जान गई। पंजाब सरकार ने पुष्टि करते हुए कहा कि पिछले 3 हफ्तों में यह हादसा हुआ है। पंजाब की कार्यवाहक सरकार के अनुसार ज्यादातर मृत बच्चों को निमोनिया के टीके नहीं मिले थे, वे कुपोषित थे। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने 31 जनवरी तक पूरे प्रांत में स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के आसपास की एक पहाड़ी से जंगल की आग के धुएं के बाद पूरा शहर ढक गया। अधिकारियों ने वायु की बिगड़ती गुणवत्ता पर चेतावनी स्तर बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजधानी के बोसा और कैनेडी, पुएंते, अरंडा और सियुदाद बोलीवर जैसे क्षेत्रों को अधिकारियों से वायु गुणवत्ता अलर्ट प्राप्त हुआ है। शहर के मेयर ने नागरिकों से घर पर रहने का आग्रह किया है। अमेरिका के सैन डिएगो शहर में भारी बारिश के बाद आम जनजीवन को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। भारी बारिश से कई क्षेत्रों में मलबा जमा हो गया, साफ करने के लिए लोग जुटे हुए हैं। सैन डिएगो शहर का मौसम सबसे सुखद माना जाता है, लेकिन पिछले दिनों यहां काफी बारिश दर्ज की गई। इसराइल के हमले में घायल हुए एक व्यक्ति के शरीर से डॉक्टर्स ने 1 किलोग्राम वजन का छर्रे का टुकड़ा निकाला है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने एक वीडियो जारी कर इस बात की पुष्टि की है। भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी में 436 रन बनाने में सफलता पाई। भारत की तरफ आज जडेजा ने 87 और अक्षर पटेल ने 44 रन की पारी खेली। इससे पहले दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 421 रन बना लिए हैं। फिलहाल टीम इंडिया के पास 175 रन की बढ़त है। जडेजा 81 रन बनाकर नापाद थे। दूसरे दिन के एल राहुल ने 86 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। राहुल ने घरेलू सरजमी पर 1000 टेस्ट रनों को पार करके एक व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल की। 19वें एशियाई खेल 2022, पैरा एशियाई खेल 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को लखनऊ में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को पुरस्कार धनराशि का वितरण किया। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना 43 साल की उम्र में इतिहास रचने के करीब पहुंच गए हैं। बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एब्डन की जोड़ी आज ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष युगल का खिताबी मुकाबला खेलने के लिए कोर्ट पर उतरेगी। भारतीय जोड़ी का सामना फाइनल में इटली के साइमन बोलेली और आंद्रिया वावासोरी से होगा। पुरुष युगल में बोपन्ना का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल है। वो अब तक पुरुष युगल में ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन में आज महिला एकल का खिताबी मुकाबला भी खेला जाएगा। दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की एरिना सबालेंका का सामना चीन की झेंग किनवेन से होगा। गत चैंपियन एरिना सबालेंका ने सेमीफाइनल में कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पहली बारी किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली झेंग किनवेन ने सेमीफाइनल में डायना यास्रेमस्का को हराया था। नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। शीर्ष वरीयता प्राप्त जोकोविच को इटली के चौथी वरीयता प्राप्त यानिक सिनर ने 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 से मात दी। रूस के डेनिल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में मेदवेदेव ने 2 सीट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए ज्वेरेव को हराने में सफलता पाई। मिस्र के काहिरा में हो रहे निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनुराधा ने भारत के लिए रजत पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने 239.9 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र की भारोत्तोलिका मेघा अहिर ने खेलो इंडिया युवा खेलों में लड़कियों के 45 किलो वर्ग में क्लीन एंड जर्क में 85 किलो वजन उठाकर नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। मेघा ने कुल 148 किलो वजन उठाया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5 महिला विश्व कप में फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 6-3 से हराने में सफलता पाई।
भारतीय टीम के लिए अक्षता मरियाना, मुमताज खान, रतुजा ज्योति और अजीमा ने गोल करने में सफलता पाई। फाइनल में भारत का सामना रविवार को नीदरलैंड से होगा। इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल के मैनेजर यर्गन क्लोप ने क्लब को छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो इस सत्र की समाप्ति के बाद क्लब को अलविदा कह देंगे, इस बात की जानकारी लिवरपूल ने दी है। प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड की एक और फिल्म साइन की है। प्रियंका चोपड़ा आखिरी बार एक्शन से लबरेज सीरीज सिटाडेल में नजर आई थी। शोभिता धुलीपाला अब हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। देव पटेल के साथ उनकी आगामी फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। कई सेलिब्रिटीज मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करते हुए देखा गया। अब एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने भी मुनव्वर को सपोर्ट किया है। रोहित शेट्टी ने सभी पांचों खिलाड़ियों से खतरों वाले सवाल किए, जिसके जवाब देते हुए घर वालों के होश उड़ गए। बॉलीवुड के बाद अब हॉलीवुड पर टारगेट। हॉलीवुड स्टार ट्रेलर स्विफ्ट डीप फेक के गलत इस्तेमाल का शिकार हुई हैं। मार्गोट रॉबी और ग्रेटा गेरविग नॉमिनेशन से बाहर। हिलेरी क्लिंटन को मिला सपोर्ट। बार्बी के लिए मार्गोट रॉबी और ग्रेटा गेरविग को ऑस्कर नॉमिनेशन ना मिलना इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में स्क्विड गेम के सीजन 2 कब रिलीज होगी इसका खुलासा किया है। नेटफ्लिक्स ने 2024 के आखिर में प्रीमियर होने की पुष्टि की है। हॉलीवुड फिल्म 50 Shades of Grey के एक्टर जेमी डॉर्नर को एक कीड़े के छूने के बाद हार्ट अटैक के लक्षण दिखे, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। डीसी यूनिवर्स की मूवीज पर जेम्स गन ने दिया अपडेट। पुष्टि की गई अब्राम्स की सुपरमैन एल्सी वर्ल्ड फिल्म अब भी विकास के चरण में है। अर्गिल का वर्ल्ड प्रीमियर लंदन में हुआ, इस दौरान हेनरी कैविल ने जलवा बिखेरा। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सोने की चिड़िया।